शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने बारामती में फर्जी वोटिंग की आशंका जताई है। इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। ये शिकायत पार्टी ने निर्वाचन आयोग से की। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायत में कहा है कि बारामती सहकारी बैंक और पुणे जिला केंद्रीय सरकारी बैंक के माध्यम से मतदाताओं को नकली पासबुक वितरित किए जा रहे हैं। बता दें कि यह बैंक डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा नियंत्रित है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने बारामती में फर्जी वोटिंग की आशंका जताई है। इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। ये शिकायत पार्टी ने निर्वाचन आयोग से की। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायत में कहा है कि बारामती सहकारी बैंक और पुणे जिला केंद्रीय सरकारी बैंक के माध्यम से मतदाताओं को नकली पासबुक वितरित किए जा रहे हैं। बता दें कि यह बैंक डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा नियंत्रित है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने बारामती में फर्जी वोटिंग की आशंका जताई है। इसको लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। ये शिकायत पार्टी ने निर्वाचन आयोग से की। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायत में कहा है कि बारामती सहकारी बैंक और पुणे जिला केंद्रीय सरकारी बैंक के माध्यम से मतदाताओं को नकली पासबुक वितरित किए जा रहे हैं। बता दें कि यह बैंक डिप्टी सीएम अजित पवार द्वारा नियंत्रित है।